तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सनी शर्मा भाई की अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस साल ये कॉम्पीट कर रहे हैं सेरू क्लासिक में। तो मैं आपके लिए इनकी करंट फिजिक अपडेट लेकर आ गया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। इस अपडेट को देखकर हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी में अच्छा खासा मसल मास ऐड कर लिया है, जो आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक में भी देख सकते हो। इन अपडेट्स में सनी भाई की चेस्ट एंड बाइसेप्स काफी ह्यूज हैं एंड लेग्स में सेपरेशन बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अब आपने सनी शर्मा भाई की फिजिक अपडेट देख ली है। इसके बाद में मैं आपको आईएबी प्रो मनोज सारंगपानी एंड सनी शर्मा भाई की एक क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आप मनोज भाई के शोल्डर एंड बाइसेप्स की कंडीशनिंग को नोटिस कर सकते हो। तो गाइस, इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है सुंदरम भाई की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि ये साले कॉम्पीट कर रहे हैं सेरू क्लास में, और भाई ये डेली की डेली ही अपनी बॉडी की अपडेट्स को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है। एंड साइज की बात करें तो भाई वो तो अच्छा पुट ऑन कर लिया है एंड कंडीशनिंग को भी मेंटेन करके रखा है। तो फ्रेंड्स, सुंदरम भाई की इन अपडेट्स को देखकर हमें ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये इस साल इंडिया के न्यू आईएबीपी प्रो बन जाएंगे। एंड इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद में हम बात करेंगे अरविंद स्पार्टेकस भाई की अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, ये अपने इंस्टा पर एक पोस्ट को शेयर करते हैं एंड उसके कैप्शन में लिखते हैं 5 days out। तो दोस्तों, क्या हम इससे समझ सकते हैं कि अरविंद भाई 4 दिनों के बाद में किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करने वाले हैं? पर दोस्तों, इन्होंने उस कॉम्पिटिशन का नाम अनाउंस नहीं किया है एंड सभी के मन में एक सस्पेंस सा बनाया हुआ है। लेकिन हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 दिनों के बाद में थाईलैंड में एक प्रो क्वालिफाइड शो हो रहा है, उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। इन्हें प्रो कार्ड जीतना है, प्रो कार्ड तो वहाँ पर भी मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर अरविंद भाई ने वहाँ पर कॉम्पीट कर लिया तो भाई प्रो कार्ड जीतने से इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज प्रेजेंट टाइम में इनकी बॉडी की कंडीशन नेक्स्ट लेवल पर है। साइज के साथ साथ ये हार्ड कंडीशनिंग कैरी करे हुए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर अरविंद भाई कॉम्पीट करते हैं नहीं, एंड क्या अगर यहाँ पर इन्होंने कॉम्पीट किया तो ये प्रो कार्ड जीत सकते हैं नहीं। आपके जो भी थॉट्स हो कमेंट में जरूर बताएं। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं मनोज पाटिल भाई की अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मनोज भाई दिल्ली प्रोसो में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए इनकी करंट फिजिक अपडेट लेकर आ गया हूँ। तो इनमें आप देख सकते हो कि मनोज भाई पहले से बेटर कंडीशनिंग में एंड बॉडी में फुलनेस भी है। पर दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में हमें मनोज पाटिल भाई की बॉडी में सबसे बड़ी मिस्टेक लगी है, वो इनकी हार्डनेस। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी एथलीट्स इंडिया वाले पुरुषों में कॉम्पीट कर रहे हैं, उनकी बॉडी की कंडीशनिंग एंड हार्ड ऑन पॉइंट है, पर यहाँ पर मनोज भाई की बॉडी काफी सॉफ्ट है। तो दोस्तों, क्या मनोज भाई पुरुषों के नजदीक आते आते अपनी बॉडी में ऐसे चेंज कर लेंगे जो इन्हें टॉप प्लेसिंग दिला सके? इस सवाल का जवाब तो हमें कॉम्पिटिशन के दिन ही पता लगेगा। और हाँ भाई, इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है एंड आपको यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग के लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलते हैं। तो ये है रवि पवार भाई की करंट फिजिक अपडेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनकी बॉडी काफी यूज कंडीशनिंग में एंड शोल्डर्स के अंदर फाइबर्स विजिबल हो रहे हैं। और भाई, बात करें साइज की तो इन अपडेट्स में तो रवि भाई साइज के मामले में पहले से बिगर एंड बेटर दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि रवि पवार भाई हर बार सेरू क्लासिक में प्रो कार्ड के लिए फाइट करते हैं, पर वहाँ पर ये प्रो कार्ड नहीं जीत पाते। तो आपने इनकी अपडेट देख लिया, ऐसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि साल ये गोल्ड मेडल के साथ साथ प्रो कार्ड जीत सकते हैं नहीं? आपके जो भी ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये कोई फिजिक अपडेट तो नहीं है, पर आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों पहले अर्नोल्ड क्लासिक हुआ है एंड उसका टाइटल सैमसन दौदा। तो कई लोगों ने कहा था कि इसका टाइटल सैमसन नहीं बल्कि निक को जीतना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ प्लेसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, थर्ड एंड फोर्थ प्लेसिंग पर रहे बिग्रेमी एंड एंड्रू जैक्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे ओपिनियन से बिग्रेमी को थर्ड प्लेसिंग डिजर्व करती थी, बिकॉज यहाँ पर एंड्रू जैक्ड बिग्रेमी से साइड पोजेस एंड बैक पोजेस में हार रहे हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा इनकी पोचिंग वीडियो को देखकर लगा सकते हो एंड कमेंट में बताना कि कौन बेटर है। और हाँ भाई, अगर आपको इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना।